उसे संविधान की प्रस्तावना भी कहते हैं। इसकी प्रस्तावना में चार मुख्य आदर्श स्थापित हैं। कौन कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्द हैं, हम भारत के लोग, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता है। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। जो संविधान की जो प्रस्तावना, जो हम कोई भी कार्य करते हैं उसकी पहले हमें रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, ऐसे ही जब संविधान बना उसकी भी प्रस्तावना हुई तो कह रहे संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र की एक खूबसूरत कविता लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल हैं जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून या फैसले का मूल्यांकन कि वह अच्छा है या बुरा यह तय करता है। जो सरकार के सरकार कैसा कार्य कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, किसी भी कानून या फैसले के मूल्यांकन से ही इस चीज़ का पता चलता है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। इसमें क्या होता है, भारतीय जो भारत का संविधान है उसकी आत्मा इसी में ही बसती है कि इसका निर्माण संविधान का कैसे किया। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया, उसमें कानून के हिसाब से भाषा दर्ज की गई है। भारतीय संविधान देश के शासकों को चुनने का तरीका बताते कि जो देश में शासक चुने जाए उन्हें किस प्रकार चुनना चाहिए। यह स्पष्ट करता है कि किसके पास कौन कौन से फैसले लेने की शक्ति होगी। कौन तय करता है? संविधान। साथ ही नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सरकार की सीमा को वही निश्चित करते हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। बच्चों, मैंने आपको आज संविधान के बारे में पढ़ाया। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह संविधान क्या है और संविधान का निर्माण कैसे हुआ यह आपको समझ आया होगा। आप एक बार और अपनी पाठ्य पुस्तक से इसे पढ़ें और समझें। अपनी कॉपी में इसके नोट तैयार करें। थैंक यू।